हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टूरिस्ट वाहन बनाने वाली कंपनी फोर्स मोटर्स की, जो कि भारतीय कंपनी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1958 में एनके फिरोदिया ने इसकी स्थापना की थी। ये फोर्स मोटर्स छोटे कमर्शियल मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, स्पोर्ट व्हीकल्स और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स बनाने के लिए जाने जाती हैं। और आपको पता ही होगा कि दोस्तों 2005 के पहले ये कंपनी बजाज टेम्पो के नाम से जाने जाती थी। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फोर्स मोटर्स ऑफ रोडर व्हीकल गुरखा की, जो कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुई थी और अब कंपनी इसका 5 डोर वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसकी अभी भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग जारी है। ये गुरखा सी लेडर फ्रेम चेचिस पर आधारित होंगी। ये वही चेचिस है जिसका इस्तेमाल इन्होंने 3 डोर फोर्स गुरखा पर किया गया था, लेकिन फोर्स मोटर्स इसे लंबा करने के लिए स्ट्रेच करने वाली हैं। फोर्स गुरखा 5 डोर में बदलाव सी पिलर के बाद शुरू करेंगी। इसके टेस्ट म्यूल को सफ़ेद रंग में फिनिश किया गया था, जबकि इस बार एसयूवी को कमोफ्लोड्स किया गया था। हम 5 डोर वाले फोर्स गुरखा के फ्रंट साइड और रियर को देख सकते हैं। हम 5 डोर वाले गुरखा के इंटीरियर पर भी एक नज़र डालने वाले हैं। वीडियो में कैप्शन सीटों की झलक मिलती है, जिसे फोर्स तीसरी पंक्ति के लिए उपयोग कर रहा है। इस 5 डोर गुरखा को 6 सीटर या 7 सीटर के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है, इसलिए यदि आप 7 सीटर वेरियंट का विकल्प चुनते हैं तो ये मध्यम पंक्ति स्वयं बेंच सीट वाली ही साथ आएंगी, जबकि 6 सीटर वेरिएंट में व्यक्तियों की कप्तान सीटों के साथ आने वाली हैं। बाकी इसका इंटीरियर वहीं रहने वाला है पहले जैसा सम्मान तरीके से। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इसमें एक बेसिक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूल एयरबैग सहित आदि फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। फोर्स मोटर्स ने पिछले दरवाजों का एक नया सेट तैयार किया गया है, जो इसके ग्लास हाउस को नया दिखने के लिए ग्लास क्षेत्र को बदल दिया गया है। इसका व्हील बेस लगभग 2.8 मीटर का होने की उम्मीद है, क्योंकि 3 डोर गुरखा में 2.4 मीटर का व्हील स्पेस दिया गया था। इसके केबिन स्पेस में जगह होने के साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए लेग रूम्स के लिए जगह बनाने में मदद मिलने वाली है। इसमें हेडलैम्प और टेल लैम्प वही रहने वाली हैं जो 3 डोर गुरखा में थी। अगर इसके इंजन की बात करें तो 2.6 लीटर डीजल टर्बो 4 सिलेंडर डीजल इंजन इसमें मिलने वाला है दोस्तों, जो कि मर्सिडीज बेंज से लिया गया है। ये इंजन 91 BHP की मैक्सिमम पावर और 250 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। ये 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। ये मैनुअल ही आता है, इसमें कोई ट्रांसमिशन व्हीकल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें लो रेंज गियरबॉक्स, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और डिफरेंशियल लॉक मिलने वाले हैं। दिखने में ये थोड़ी बहुत मर्सिडीज बेंज जैसी जी वैगन की तरह ही दिखती है, और ये मर्सिडीज बेंज के जी वैगन के मॉडल से ही ये लिया गया है दोस्तों। फोर्स मोटर्स इसी तरह ही इसके और भी व्हीकल्स बनाती है, जिसमें फोर्स मोटर्स की ट्रेवलर, स्कूल बस, एम्बुलेंस, फोर्स ट्रैक्स 2.6 इंजन के साथ वो आती है, और एक इसका है गुरखा जो कि 2.2 इंजन के साथ भी आती हैं, और एक गुरखा है नई वाली जो 2.6 इंजन के साथ में आती हैं दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको न्यू फोर्स मोटर्स गुरखा 5 डोर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे यहाँ पे शोरूम पे आने के बाद हम आपको इसकी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।